हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरजीत बायोलॉजी ट्रिक्स, बायोलॉजी मेड इजियर। आज हम आपको बताएंगे ग्रीन हाउस गैसेस को याद करने की अच्छी सी ट्रिक और समझाएंगे ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस को जानने से पहले आप बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि आपने कभी भी बड़े बड़े गार्डन्स में, बोटैनिकल गार्डन आप गए होंगे, वहां आपने देखा होगा कि एक हरा सा तंबू जैसा, टेंट जैसा लगा रहता है जिसके नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे रखे रहते हैं। वो क्यों रहता है? उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस करता क्या है? वो सन की आने वाली जो रोशनी होती है, जो रेज होती है, उनको क्या करता है, अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है और उनको वापस रेडिएट नहीं होने देता। जिससे क्या होता है, जिससे कि जो पेड़ के पास जो एटमॉस्फेयर होता है वो हॉटर रहता है, नेचुरल एनवायरनमेंट से वो हॉटर रहता है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस। अब ये ग्रीन हाउस जब हमारी अर्थ पे अप्लाई होने लगेगा तब क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए। हमारी अर्थ क्या है? एक अच्छा सा प्लैनेट, सुंदर सा प्लैनेट, जिसे बोलते हैं हम अर्थ। ठीक है, अर्थ बोलते हैं। यहां पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जिनको क्या चाहिए, जिनको सूरज की रोशनी चाहिए, जिनको सन की रेस चाहिए। ठीक है, तो सन रे इन पर पड़ती थी, इन पर पड़ रही सन रेज इन पर पड़ रही हैं। ठीक है, और इनका 1/4 पार्ट क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। 1/4 पार्ट क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो, मतलब इंसिडेंट सनलाइट का 1/4 पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाया करता था जब ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं थी। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैसेस आई, इन्होंने क्या किया, अर्थ के अगल बगल अपना क्या हुआ, अपना कवर बनाया। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी थी, जो भी हैं, जैसे कि मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, ये सारी गैसेस क्या करती हैं, इस अर्थ के किनारे किनारे अपना कवर बना लेती हैं, एक प्रकार का सराउंडिंग बना लेती हैं। इससे क्या होता है, जब इनके आने के बाद जब दोबारा सूरज की रोशनी अर्थ पर पड़ती है तो ये इसे वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देती हैं और आपस में ही वापस रिपीट करते 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 क्या होता है, इनके रिपीट होने से अर्थ का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है जैसे हमने डेटा में पढ़ा हुआ है कि पहले हम अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर निकालते थे तो -15-18 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के आने से पहले जब हम टेम्परेचर निकालते थे, मीन टेम्परेचर, तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था। लेकिन अब कितना आता है, अब हम एवरेज टेम्परेचर निकाल दे तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मतलब हमारी अर्थ बहुत ही ज्यादा हॉटर हो गई, गर्म हो गई, जिससे कि पोलर आइस कैप्स जो होते हैं वो पिघलते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इन गैसेस का परसेंटेज कितना है और उनको याद करने का तरीका। आइए ग्रीन हाउस गैसेस को याद करने की ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले एक तरीका बताएंगे कि एक हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे जिन्होंने सबसे पहला मल्टीमीडिया सेट जो था क्या 60-20 नोकिया 60-20 वो लिया था। अब आज उन्हें बेचने की जरूरत पड़ी तो नोकिया 60-20 को उन्होंने 14.06 रुपए में बेच दिया। कितने में? कबाड़ी वाले को ही बेचा, लेकिन किसे बेचा? 14.06 रुपए में। याद करेंगे नोकिया 60-20, चीफ मिनिस्टर का फोन 14.06 रुपए में बिक गया। तो कैसे याद करेंगे, देखेंगे CM मतलब चीफ मिनिस्टर, FN मतलब फोन, क्या मॉडल था 60-20, किसमें बिका 14.06 रुपए में। तो C मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेथेन हो गया, ये CFC हो गया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये N2 होगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये क्या है 60-20 क्या है, ये 60% पाई जाती है, ये 20% पाई जाती है, ये 14% पाई जाती है, ये 6% पाई जाती है। तो याद करेंगे चीफ मिनिस्टर का फोन, CM का फोन 60-20, कौन सा मॉडल 60-20, 14.06 रुपए में।
जिनको ये याद करने में कठिनाई हो तो याद कर लें, कार में सीएफसी नहीं। तो ये कैसे हो गया, कार मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, में मतलब मेथेन, सीएफसी तो आप जानते हैं सीएफसी, और नहीं मतलब N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखेंगे कार में सीएफसी नहीं, ये भी याद कर लीजिए। इसमें भी क्या है 60 20 14 6, तो ये 60%, ये 20%, ये 14% और ये 6%। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।